छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में भाजपा को बड़ी ताकत मिली है। बुधवार को बीरगांव के पूर्व महापौर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पार्षद, छाया पार्षद सहित पिछड़ा वर्ग समाज व अन्य समाज के कई बड़े समाज सेवी व युवा नेताओं के साथ 1000 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। ओम माथुर और अरुण साव ने भाजपा का गमछा पहनाकर पार्टी प्रवेश करने वाले सदस्यों का स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में आपका स्वागत है। मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। पार्टी पूरे विश्व के भारत का गौरव बढ़ा रही है। आज बड़ी संख्या में प्रवेश किए हैं। आज बिरगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश देवांगन जी के नेतृत्व में लगभग 1000 से भी अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ताकत, बढ़ते हुए कदम का परिचायक है। इनके आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती और ताकत मिलेगी और नवंबर में जब विधानसभा का चुनाव होगा, राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे इसी महीने आ रहे हैं, भरोसे के सम्मेलन में शामिल होंगे। राज्य के कांग्रेस की सरकार ने पिछले 4.5 सालों में हर वर्ग को ठगने का, धोखा देने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोग इस सरकार पर अब भरोसा करना छोड़ दिए हैं। इस सरकार के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने छत्तीसगढ़ में भरोसे का संकट पैदा हो गया है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को भरोसे का सम्मेलन करना पड़ रहा है। पर छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना मन बना लिया है, तय कर लिया है राज्य के इस कांग्रेस सरकार से छुटकारा पाने का। दुनिया डॉक्टर सरकार में अव्यवस्था फैली हुई है, लगातार सभी लोग हड़ताल में जा रहे हैं। एक तो 4.5 सालों में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लगातार मौतें हो रही है। सरकार ने खुद विधानसभा में आंकड़ा दिया है कि लगभग 40,000 0 से 5 साल के बच्चों की मौत हुई है और हॉस्पिटल पूरी तरह से अव्यवस्था का आलम है। टीएस सिंहदेव जी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, वो विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की विफलता है और अब जो जूनियर डॉक्टर्स जिनके भरोसे छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही थी, वे भी हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकार ने लगातार कहने के बावजूद, लगातार मांग करने के बावजूद उनके मांगों पर विचार नहीं किया, उनसे बात करने को तैयार नहीं किया, उनके मांग पूरी नहीं की, तो ये निश्चित रूप से सरकार की विफलता है। सरकार तुरंत जूनियर डॉक्टर की मांगों पर विचार करके तुरंत उनकी मांगों को पूरा करे। छात्रावास सुरक्षित नहीं है, एक कोटा छात्रावास में बच्चों का बहुत काम होता है। कल दुर्गापुर में छात्रावास में का वीडियो आया कि छात्र के साथ लात मार रही थी, तो किस तरह से लेते हैं? पिछले 5 दिनों में इस प्रकार से अनाचार की घटनाएं सामने आई है। सुकमा की घटना से लेकर लगातार इस प्रकार से 7 घटनाएं आई है। ये बताता है कि आज राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है। सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट है। मुख्यमंत्री
नितेश पटेल ने पीएम को पत्र लिखा है और जो पीएम आवास योजना है उसके लक्ष्य पूर्ति की ओर ध्यान आकर्षित करवाया है। इसके अलावा जो राज्यांश की राशि है उसके 88% राशि दिए जाने का दावा भी किया। देखिए, लगातार भारत सरकार ने पत्र लिखा, हमने आंदोलन किया, लोकसभा में भी ये मुद्दे उठाए, पर राज्य की ये गरीब विरोधी भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम किया है। अब फिर से चुनाव नजदीक आता देखकर छत्तीसगढ़ के लोगों को भ्रमित करने का काम, धोखा देने के लिए नए नए प्रकार की बात भूपेश बघेल कर रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता एक बार धोखा खा गई है, बार बार धोखा नहीं खाएगी। मणिपुर को लेकर भारत सरकार ने त्वरित कार्यवाही की है, राज्य सरकार ने, मणिपुर के सरकार ने भी पूरी ताकत से उस संवेदनशील मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया है। देश के गृह मंत्री स्वयं 3 दिन मणिपुर में जाकर वहां के स्थिति को संभालने का काम, वहां की स्थिति को ठीक करने का प्रयत्न लगातार किया है। विपक्षी दल केवल राजनीति करना चाह रहे हैं, मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे में राजनीति करने का काम विपक्षी दल कर रहे हैं। भारत सरकार मणिपुर की घटना को लेकर संवेदनशीलता दिखाते हुए गंभीरता से कार्यवाही कर रही है।